आपको लगा कर दिखा दूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट नाप है और इस तरह से ही लग रहा है। दूसरी तरफ से भी ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम मास्क बनाएंगे, इलास्टिक मास्क। इलास्टिक है इसे लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आजकल कोरोना का बहुत मतलब दहशत हो चुकी है और इस वक्त हमें मास्क की बहुत ज़रूरत है बचाव के लिए। तो फ्रेंड्स, आप होममेड मास्क अपने घर पे बना सकते हैं और आप चाहे जिस कपड़े से आप उसे बना सकते हैं और ये बहुत सिक्योर भी तरीका है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे कि हमने कितना कपड़ा लिया है। तो फ्रेंड्स, कपड़ा डबल है अभी और इसकी जो लेंथ है ये 7.5 इंचेस है और इसकी जो विड्थ है ये 5.5 इंचेस है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के मैंने दो पीसेस लिए हैं और इसे साइड में पट्टी बनाने के लिए मैंने पट्टी के भी दो पीसेस लिए हैं। तो ये 1.5 इंच इसकी विड्थ है और इसकी जो लंबाई मैंने रखी है ये करीबन 3.5 इंच की है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये दो पट्टियाँ मैंने ली हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन दोनों साइड में स्टिच कर लेंगे। क्वार्टर इंच मार्जिन छोड़ दीजिए। दूसरी साइड में भी इसी तरह से सेम स्टिच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड में स्टिच कर लिया हमने। अब इसको हम फोल्ड करेंगे अंदर की ओर। तो जो सिलाई है ये दिखेगी नहीं, तो हम थोड़ा सा अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको थोड़ी सी बैठने वाली सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से दबाकर हमें ये जो बैठने वाली सिलाई है थोड़ी सी इसे लगा लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह कीजिए फ्रेंड्स कि आप कॉटन का ही कपड़ा ले पाए। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से अच्छे से ये पैक हो चुका है और इसकी शेप भी अच्छी आ गई है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो आपको इस तरह से इसे फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से। तो हम इसमें 3 प्लेट्स डालेंगे। तो 3 प्लेट्स मैंने लगा ली है और इसकी जो विड्थ है इसको मैंने 2.5 रखा है। ये देखिए फ्रेंड्स, 2.5 हमें साइड से रखना है बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने 2.5 रखा है। और हम पट्टियाँ ले लेते हैं जो हमने काट कर रखी थी। तो फ्रेंड्स, अब हम पट्टियों को इस तरह से रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने पट्टी रखी है और इसको थोड़ा सा साइड से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा लेंगे। 1/4 इंच मार्जिन छोड़कर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से फोल्ड कर लीजिए और 1/4 इंच मार्जिन छोड़ के आप सिलाई कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, 1/4 इंच छोड़ कर मैंने यहाँ से सिलाई लगा ली है। अब इसको फोल्ड करेंगे। अब फोल्ड करने से पहले हम इसके अंदर इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक यहाँ पर मेरे पास इस तरह का इलास्टिक है। ये देखिए आप देख सकते हैं, इसे मैं रख रही हूँ करीबन 7 इंचेस। तो यहाँ पर मैं 7 इंचेस इसे रख रही हूँ और हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इलास्टिक को हमें बीच में रखना है और हम इसे फोल्ड कर देंगे दूसरी तरफ। तो एक बार इस तरह से और एक बार हमें इस तरह से फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करना है यहाँ पर कपड़े को। तो एक बार इस तरह और एक बार इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर ये फोल्ड कर दिया है हमने पट्टी। और अब इसको और आप इस तरह से इसको साइड से बंद कर दीजिए। इस तरह से ये फिट हो जाता है बिल्कुल।
और इसको आप इस तरह से अंदर की ओर ढकेल दीजिए थोड़ा सा, तो ये बाहर दिखेगी नहीं। ये अंदर चली गई है इलास्टिक जो हमने गांठ लगाई थी, और ये कुछ इस तरह से लग रहा है। तो सेम इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी पट्टी को रखेंगे और साइड से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, एक सिलाई लगाएंगे क्वार्टर इंच मार्जिन छोड़कर। दूसरी साइड से भी हमें फोल्ड करके ही रखना है और अब सिलाई लगाएंगे। सीधी साइड से पलट लेंगे, पलटने से पहले इस पर भी हम इलास्टिक को रखेंगे। ये देखिए इस तरह से, और अब एक सिलाई लगा लीजिए अब यहाँ से इसे बंद कर देंगे फिर से। ये देखिए फ्रेंड्स दोनों तरफ से इस तरह से ये मास्क बन गया है, और मैं आपको लगा कर दिखा दूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से लग रहा है, आप देख सकते हैं, और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट नाप है और इस तरह से ही लग रहा है। दूसरी तरफ से भी ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप चाहें तो आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आपका जो इंपॉर्टेंट टाइम है मुझे देने के लिए थैंक यू सो मच।